प्रभात विद्यार्थी मित्रांनो, विषय मराठी इयत्ता 6वी आज आपण रिव्हिजन घेणार आहोत। पाठ दुसरा, माझा अनुभव। विद्यार्थी मित्रांनो, अनुभव म्हणजे एक्सपीरियन्स। विद्यार्थ्यांनो, आपल्या पुस्तकामधील पाठ दुसरा, माझा अनुभव या पाठाचे आज आपण उजळणी करणार आहोत। उजळणी म्हणजेच रिव्हिजन। याआधीच आपण हा पाठ शिकलेलो आहोत, परंतु मी या पाठाची तुम्हाला समरी थोडक्यात सांगणार आहे। या पाठात दोन भावंडांनी आपला एक छान अनुभव, मजेशीर अनुभव इथे सांगितलेला आहे। अनुभव म्हणजेच एक्सपीरियन्स। रीमा आणि तिचा भाऊ ज्यावेळी वार्षिक परीक्षा देऊन घरी येतात, त्यावेळी त्यांची आई त्यांना एक आनंदाची बातमी सांगते की उद्या आपल्याला आगगाडीने मामाच्या गावाला जायचे आहे। देखो बच्चो, आप लोगों को भी वेकेशन में फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद मामा के घर, दादी के घर, नाना नानी के गांव में जाने में बहुत मज़ा आता है। आप खुश हो जाते हैं और इसीलिए आप वेकेशन का इंतज़ार करते रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी यह दोनों भाई बहन उनको मामा के गांव जाने को मिलने वाला है करके वह बहुत खुश हो गए। इतना वो खुश हो गए, वो लड़की उसके पैरों में जो उसने पायल डाली थी, वो पायल में जो घुंघरू थे, घुंघरू का आवाज़ पूरे घर में घूम रहा था। इतनी वह खुश हो गई थी, पूरे घर में वह घूम रही थी और उसके पैरों में पायल है, उस पायल को मराठी में पैंजन बोलते हैं और उसका वो छुम छुम आवाज़ पूरे घर में क्या हो रहा था, घूम रहा था। दुसऱ्या दिवशी सकाळी मामाच्या गावाला जायला ते रेल्वे स्टेशनवर आले, गाडी पकडली आणि गाडी मात्र झुकझुक करत तिथून निघाली। देखो, दुसरे दिन वो दोनों मामा के गाँव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ गए और गाड़ी निकल पड़ी। लेकिन जब गाड़ी निकल पड़ी, तभी हम हमेशा देखते हैं कि बच्चों को विंडो में बैठने में बहुत मज़ा आता है। उसी तरह रीमा भी विंडो के बाजू में बैठी, हवा आ रही थी, हवा से उसके बाल उड़ रहे थे, वह बहुत खुश थी, उसके आंखें चमक रही थी क्योंकि धूप आ रही थी और इसीलिए वह आंखें चमक रही थी।
उन दोनों की मम्मी उनकी माँ जो पूरे इस ट्रैवलिंग में जो किताब पढ़ रही थी, लेकिन हवा इतनी जोर से थी कि किताबों के पन्ने जो है वो पन्ने हवा में फड़फड़ रहे थे। वो अपना किताब पढ़ने में एकदम मग्न हो गई थी। बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। जो नेचर है उस नेचर का आनंद ले रहे थे। बघा आता यांचा प्रवास सुरू झाला। खिडकीत बसून निसर्गाचा आनंद घेत होती। डोळ्यावर ऊन येत होतं। रिमाचे डोळे लुकलुकत होते। केस उडत होते। इतकंच काय तर आईच्या हातात जे पुस्तक होतं त्या पुस्तकाचे पानं देखील काय होत होती, फडफडत होती। तेवढ्यात शेजारी त्यांच्या ज्या मावशी बसल्या होत्या त्या मावशीच्या मांडीवर एक छोटंसं बाळ होतं, हसत होतं। नकळतच रीमाच्या भावाला त्या बाळाकडे बघून त्याला आपल्या मांडीवर घ्यावं, त्याचे लाड करावे असं वाटू लागलं। आणि म्हणून त्याने त्या बाळाला आपल्या मांडीवर घेतलं, त्याला झाडे दाखवली आणि थोड्या वेळाने वारा लागल्यामुळे ते झोपून गेलं। हम भी देखो जब भी रेल से हम गाँव जाते हैं, सामने जो भी हमारे बैठते हैं उनसे हम बातें करते हैं, और रीमा और उसके भाई के सामने एक आंटी बैठी थी और उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, हंस रहा था। और उसको देख के रीमा के भाई को लगा कि मैं उसे अपने गोद में ले लूं, उसके साथ थोड़ा सा खेलूं। उसने उसे अपने गोद में लिया। खिड़की में से उसे बहुत सारी ट्रीज दिखाई, उसको प्यार किया। हवा लग रही थी और थोड़े टाइम के बाद वह सो गया। फिर गांव आ गया। गांव आने के बाद मामा तो उनको लेने आया ही था। बच्चे खुश होके मामा को मिले। मामा बैलगाड़ी लेके आया था। बैलगाड़ी तो बहुत प्यारी थी। बैलों के गले में घुंघरू था, वो बज रहा था। बैलगाड़ी का जो व्हील है, व्हील का आवाज आ रहा था खड़खड़ करके। फिर बच्चे मामा के घर पहुंच गए। गांव में देखो क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। हम शहर में रहते हैं और साल में एक ही बार हम गांव जाते हैं, तो वहाँ का नेचर जो है बहुत अलग रहता है, पसंद आता है हम लोगों को। अपने इधर रोज शोर रहता है पर वहाँ पे वैसा नहीं रहता है, तो बच्चे भी उधर खुश हो गए। बहुत सारी झाड़ियाँ थी, खेत था, बर्ड्स थे, सबका अलग अलग सा एक आवाज़ जो है घूम रहा था। बच्चे उसमें
बहुत खुश थे। उनका मन बहुत आनंदित हो गया था। निसर्गामध्ये पानांची सळसळ, नदीच्या पाण्याचा खळखळ आवाज, पक्ष्यांची किलबिल, शेतांमध्ये चरणाऱ्या गाईचं हंबरणं, बकऱ्यांचं बेबे, त्यात वाऱ्यावर पिकं डुलत होती। सगळं वातावरण आनंदी होतं। फिर ती मुलं घरी आली। मामी त्यांची वाट बघत होती। मामीची मुलं देखील त्यांची वाट बघत होती। मामाची मुलं म्हणजे त्यांची कझिन्स। हे मुलं आपल्या भावंडांना भेटली। आजी होतीच आजीला भेटली। आजी मात्र थकलेली होती। काठी टेकवत टेकवत आली। तिने पण मुलांना जवळ घेतलं, डोक्यावर तोंडावर हात फिरवला। तो प्रेमाचा स्पर्श होता, बोलका होता। तिच्या त्या स्पर्शाने त्यांना खूप गहिवरून आले। अब यह बच्चे मामा के घर पहुँचे। मामा के घर पे दरवाजे पर ही उनकी मामी उनका इंतज़ार कर रही थी। और मामा के दोनों बच्चे राजू और चिमी, उनके कजिन्स, उनका इंतज़ार कर रहे थे। साल भर के बाद मिले थे। खुश हो गए एक दूसरे को देख के। उनकी नानी वो भी वहाँ पर आई। हाथ में काठी लेकर चल रही थी। बच्चों को देखकर वो भी खुश हो गई। प्यार से उन्होंने अपने बच्चों के सर पे, मुंह पे हाथ घुमाया। बच्चे खुश हो गए। दुसऱ्या दिवशी नुसती धमाल। कधी विहिरीवर पोहायला जायचं, कधी शेतात जायचं। एखाद्या आंब्याच्या झाडावर चढून कैऱ्या तोडायच्या, पाडाचा आंबा तोडून खायचा, बैलगाडीतून फेरफटका मारायला जायचं। आज शेतावर, उद्या अमराईत, रोज मज्जाच मजा। आणि सुट्टी कधी संपली ते कळलंच नाही। आणि परत ती मुलं मात्र गावी आली। दुसरे दिन से यह बच्चों ने मामा के गांव में बहुत मजा किया। कभी वेल में गए तैरने के लिए, तो कभी फार्म में गए, खेत में गए। फार्म में आम के झाड़ थे। आम के झाड़ पे वो चढ़े। शहर में हम रहते हैं, हमें मस्ती करने को मिलती है, नहीं मिलती। हमारी सोसाइटी में एका झाड़ होता है, अगर हम चढ़ेंगे तो वॉचमैन क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। यह बच्चे खुश हो गए। कभी आम के झाड़ पर चढ़े, कभी आम तोड़े, खाए। इतना ही नहीं, हम इधर शहर में कार से घूमते हैं, बाइक से घूमते हैं, रिक्शा से घूमते हैं। वहाँ पे बच्चे बैलगाड़ी से घूम रहे थे। कभी खेतों में, कभी यहाँ, कभी वहाँ, बहुत मज़ा किया।
बहुत मज़ा किया। और ये सब मज़ा करते करते उनकी छुट्टियाँ कब ख़त्म हो गई उन्हें भी नहीं समझा। और फिर से अपने शहर के घर की ओर वह निकल पड़े। तो इस तरह ये बच्चों ने अपनी छुट्टियों में मामा के गांव जाके जो भी आनंद उठाया है, वही आनंद उन्होंने इस पाठ में अपना एक्सपीरियंस, माजा अनुभव यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो ऐसे आपके भी अनुभव रहेंगे। आप भी हर साल गांव जाते हैं, आपके भी कुछ अनुभव रहेंगे। आप भी आपके अनुभव आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। काही शब्दार्थ आपण समजून घेऊया। प्रसन्न, टवटवीत, आनंदी म्हणजे डिलाइटेड, झुळका म्हणजेच वाऱ्याच्या मंद लहरी, ब्रीज ऑफ एअर, तालात म्हणजे लयबद्ध, इन रिदम, सायंकाळ म्हणजेच संध्याकाळ, इव्हिनिंग, बोलका म्हणजे बोलणारा, एक्सप्रेसिव, धमाल म्हणजे मजा, फन, एन्जॉयमेंट। प्रश्न दुसरा, अ योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा, फिल इन द ब्लँक्स, म्हणजेच क्लिक द करेक्ट फिलअप्स। इथे एक उदाहरण दिले आहे, घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे टिंब टिंब केले। ॲन्सर येईल लाड, प्रेम, स्वागत। ह्या तीन पर्यायापैकी, ऑप्शनपैकी ॲन्सर येईल स्वागत। घरी येताच तोंडभर हसून मामीने आमचे स्वागत केले। विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला इथे फक्त क्लिक करायचं आहे, योग्य आन्सर क्लिक करायचं आहे। बच्चो, क्लिक द करेक्ट फिलअप्स, योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा, यानी आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना नहीं है, ओनली आपको करेक्ट आन्सर को क्लिक करना है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको चार क्वेश्चंस आएंगे। उसी तरह क्वेश्चन ब, खालील प्रश्नांची योग्य उत्तरे निवडा, चूज द करेक्ट आन्सर। मुलांची वाट कोण पाहत होते? उदाहरणार्थ, मुलांची वाट कोण पाहत होते? इथे तीन पर्याय दिले आहेत, मामाची मुले, काकाची मुले, मावशीची मुले। योग्य आन्सर आहे मामाची मुले। तर तुम्हाला मामाची मुले आन्सर अ तुम्हाला क्लिक करायचं आहे, सिलेक्ट करायचं आहे। बच्चो, आपको चूज द करेक्ट आन्सर, खालील प्रश्नांची योग्य उत्तरे निवडा। इसमें सही ऑप्शन, सही पर्याय आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है, सिर्फ क्लिक करना है। इसमें भी आपको चार क्वेश्चंस आएंगे। प्रश्न तीसरा, कंसातील सूचनेनुसार उत्तरे निवडा, क्लिक द करेक्ट आन्सर गिवन बिलो। एक उदाहरण दिले आहे, मला मका खायला आवडतो, नाम ओळखा, क्लिक द नाउन, नाउन पहचानो। इथे तुम्हाला योग्य पर्याय निवडायचा आहे, आवडतो मला मका, योग्य आन्सर आहे मका।
और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, खिडकीतून येणाऱ्या उन्हामुळे तिचे डोळे लुकलुकत होते. सर्वनाम ओळखा, क्लिक द प्रोनाउन. ऑप्शन आहेत तिचे डोळे आणि होते. योग्य आन्सर आहे तिचे. तुम्हाला फक्त क्लिक करायचे आहे. चौथा, अ आई या शब्दाचा खालीलपैकी समानार्थी शब्द कोणता. क्लिक द सिनोनिम्स. आपको योग्य पर्याय चुनना है. यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बाबा, आजी, माता. करेक्ट आंसर है माता. आई याला समानार्थी शब्द माता असे आहे. प्रश्न आ, हसणे या शब्दाचा खालीलपैकी विरुद्धार्थी शब्द कोणता. क्लिक द एंटोनिम. पर्याय आहेत दुःखी, आनंद आणि रडणे. योग्य पर्याय तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. हसणे याला विरुद्धार्थी शब्द आहे रडणे. या शब्दाचा लिंग बदला, चेंज द जेंडर. पर्याय आहेत आई, आजोबा, बाबा. आन्सर येईल आजोबा. डोळे या शब्दाचे वचन ओळखा. क्लिक द नंबर. एक वचन आणि अनेक वचन. आन्सर येईल अनेक वचन. मित्रांनो, तुम्हाला परीक्षेत अपठित उतारा आकलन येणार आहे. म्हणजेच प्रश्न खालील अपठित उतारा वाचून त्याखाली विचारलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे निवडा. आपको एग्जाम में, टेस्ट में अनसीन पैसेज आएगा, उसके आंसर आपको क्लिक करने हैं. आपको अनसीन पैसेज में तीन फिलअप्स आएंगे और दो आंसर इन वन क्वेश्चन आएंगे. आपको सिर्फ सही आंसर को क्लिक करना है. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला कोण कोणास म्हणाले हाही क्वेश्चन येणार आहे. कोण कोणास म्हणाले म्हणजेच हु सेड हुम. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.